जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी अस्टो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको कुछ पार्ट से मैं दशाफल पढ़ा रहा हूं, डिफरेंट ग्रहों के दशाफल मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, और पीछे एक सीरीज खत्म हुई है जिसमें मैंने सूर्य की महादशा में डिफरेंट ग्रहों की अंतरदशा के बारे में आप लोगों को पढ़ाया, तो वो खत्म हो चुका है शुक्र तक। अब हमारी चंद्रमा की महादशा में डिफरेंट ग्रहों की अंतरदशा के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा आपको प्रेजेंटेशन पर ले आता हूँ। इसके बारे में बहुत साफ रूप से ऋषि पाराशर जी ने कहा हुआ है। ऋषि पाराशर जी ने जो बताया है बृहद पाराशर वरा शास्त्र में, वो बहुत साफ रूप से कहा गया है कि चंद्र की महादशा में चंद्र की अंतरदशा का फल क्या होता है। तो वो कहते हैं, स्वच्छे स्वक्षेत्र गे चंद्रे त्रिकोणे लाभ गे अपि वा। स्वच्छे स्वक्षेत्र गे, स्वच्छे मतलब किस उच्च राशि में हो, स्व क्षेत्र में हो, स्व राशि में हो, कौन चंद्रमा, त्रिकोण भाव में हो, लाभ भाव में हो या केंद्र भाव में हो, भाग्य कर्माधिपैर युक्ते, यानी भाग्य भाव के स्वामी के साथ हो या दशम भाव के स्वामी के साथ हो, तो गजाश्वम्रम संकुलम देवता गुरु भक्तिश्च पुण्य श्लोक अर्दितम राज्य लाभ हो मह सौख्यम यशो वृद्धि सुख पूर्ण चंद्रे बल पूर्ण सेनापति में सुखम। उसमें वो कहता है कि यदि चंद्रमा उच्च राशि में हो, चंद्रमा स्व राशि में हो, चंद्रमा केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में हो, तो ऐसे केस में, और यदि चंद्रमा नवमेश और दशमेश से युक्त हो, तो इस दशा में चंद्र की अंतर दशा में हाथी घोड़ा वस्त्रादि का लाभ होता है। हाथी घोड़ा वस्त्रादि का लाभ मीन्स कि आपको वाहन वाहन से जितनी भी चीजें हैं वो सारी लग्जरी चीजें आइटम्स आपको मिलती हैं, जो भी लग्जरी आइटम्स होते हैं, क्योंकि उस जमाने के लिखे हुए हैं तो इसलिए हाथी घोड़ा लिखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन सारे लग्जरी आइटम्स आपको मिलते हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। देवताओं में आपका ध्यान लगता है, गुरु की भक्ति में आपका ध्यान लगता है, आपको पुण्य लोक की प्राप्ति होती है, राज्य लाभ होता है राज्य तरफ से। मतलब कहने का ये है कि जो भी कंपनी में सर्विस आप कर रहे हैं, जहां भी ऑर्गेनाइजेशन में आप सर्विस कर रहे हैं, वहां पे आपको पूरा पूरा लाभ प्राप्त होता है, प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, आपका एक नाम हो सकता है, आपकी फेम हो सकती है, और यशो वृद्धि, आपके यश की वृद्धि होती है, सुखावह सुख में वृद्धि होती है। और अगर चंद्रमा पूर्ण हो, पूर्ण चंद्रमा हो, बली चंद्रमा हो, तो सेनापत्यम महत सुखम, तो ऐसे केस में इंसान जो है वो सेना नायक बन जाता है, वो मतलब एक लीडर बन जाता है, चीजों को अपने कंट्रोल में करने वाला। तो कहने का मतलब यह है कि चंद्र की महादशा में चंद्र की अंतरदशा हो, और चंद्र अगर उच्च राशि में हो, स्व राशि में हो, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो, एकादश भाव में हो, और नवमेश और दशमेश से युक्त हो, तो उस दशा में सुख धन धान्य और राज्य कृपा प्राप्त होती है, और वो दशा बहुत ही अच्छी जाती है। उसके अंदर आदमी एक लीडर बन के उभरता है अपने आप को, उसका नेम फेम होता है, उसका यश बढ़ता है, चारों तरफ असीम सुख की प्राप्ति होती है। उसके अलावा वो कहते हैं ऋषि पाराशर के पाप युक्ते अथवा चंद्र नीचे व ऋष्भ षष्ठ गे, यानी पाप युक्ते पाप ग्रहों के साथ हो अथवा या चंद्र नीच राशि में हो या ऋष्भ षष्ठ गे, यानी छठे आठवें और बारहवें भाव में, यदि चंद्रमा पाप युत हो, नीच राशि में हो और छठे आठवें भाव में संस्थित हो, तो चंद्रमा की महादशा में, चंद्र की अंतरदशा में भारी तत्काल धन नाशे, धन नाश होता है, धन की हानि होती है। स्यात स्थान च्युति रदापि वा, यानी स्थान च्युति होती है, स्थान छोड़ना पड़ता है, ग्रह नाश होता है, आप कहीं मतलब अपनी जगह को छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे जा सकते हैं अचानक, वो सब चीजें इसी में होती है। देहलहस्यम देहालस्यम मनस्तापो, मन में स्ताप रहता है, यानी मन परेशान रहता है, एक डिप्रेशन सी स्टार्ट हो जाती है। राजमंत्री विरोध करता है, राजाओं के मंत्री का विरोध प्राप्त होता है, मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप सर्विस करते हैं, जहां जॉब करते हैं, वहां से आपको थोड़ा पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है, विरोध का सामना करना पड़ता है, बॉस की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। मातृ क्लेशो, यानी माता का क्लेश, माता की तरफ से आपको दुख प्राप्त होता है। बंधु नाशनम, सहोदर से आपके संपर्क अच्छे नहीं रहते, आपके भाई बहनों से आपके संपर्क अच्छे नहीं रहते, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और यदि चंद्रमा द्वितीयेश या सप्तमेश हो, चंद्रमा द्वितीयेश हो या सप्तमेश हो, द्वितीयेश या सप्तमेश जो है हमारे दोनों मारक हाउस होते हैं, या द्वादश या अष्टमेश से युत हो, द्वादशेश या अष्टमेश से युत हो, तो शरीर में जड़ता रोग एवं अपमृत्यु का भय रहता है। ऐसे केस में यदि चंद्रमा पाप युक्त हो, नीच राशि में हो,
छठे आठवें बारहवें भाव में संस्थित हो तो चंद्र की महादशा में चंद्र की अंतरदशा में भारी धन हानि होती है, ग्रह का नाश होता है, आलस्य आता है, मानसिक विकलता होती है, आदमी को डिप्रेशन स्टार्ट हो जाती है, वैर भाव स्टार्ट हो जाता है, अपने भाई बंधुओं से भी वैर भाव स्टार्ट हो जाता है। तो चंद्र अगर द्वितीय भाव में हो और सप्तम भाव में हो और या द्वादशेश यानी ट्वेल्थ लॉर्ड के साथ या एट्थ लॉर्ड के साथ हो तो शरीर में जड़ता रोग एवं पृथ्वी का भय होता है, अब मृत्यु तक भी हो सकती है। उसके शमन के लिए ऋषि पाराशर जी ने कहा है कि सफेद गऊ का या भैंस का दान करने से पीड़ा में मुक्ति मिलती है। ये उन्होंने उपाय बृहत पाराशर होरा शास्त्र में बताया है। तो ये था चंद्रमा की दशा में चंद्रमा की अंतरदशा का फल। अब पढ़ते हैं चंद्रमा की दशा में मंगल की अंतरदशा का फल क्या रहता है। उसमें बोलते हैं चंद्र स्यात अनुगंते भौमे लग्नात केंद्रे त्रिकोण गे सौभाग्यम राज सम्मानम वस्त्राभरण भूषणम। यानी चंद्र महादशा यदि मंगल लग्न से केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो, स्वराशि में स्थित हो, मंगल लगन से केंद्र यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी अंतरदशा चल रही है जिस ग्रह की, यदि वो केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में हो तो चंद्र मंगल की दशा में आदमी को सौभाग्य प्राप्त होता है, राज सम्मान प्राप्त होता है, वस्त्रों की प्राप्ति होती है, आभूषणों की प्राप्ति होती है, कार्य में सफलता होती है, यत्नात् कार्य सिद्धिस्तु भविष्यति न संशय। यानी अच्छा भविष्य बनता है, कोई भी कार्य करोगे आप यत्न के द्वारा उस कार्य में सिद्धि होगी, भू संपदा है, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, व्यापार में असाधारण सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, उच्च कोटि के सुख की प्राप्ति होती है। कब? जब चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतरदशा हो और मंगल केंद्र त्रिकोण व लाभ भाव में बैठा हो, तो ऐसी केस में इतने अच्छे फल मिलते हैं, सुख सम्मान की प्राप्ति होती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है, व्यापार में सफलता मिलती है, उच्च कोटि के सुख की प्राप्ति होती है, सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इसलिए चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतरदशा अगर देखनी हो तो ये चेक कर लीजिए कि क्या केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में तो मंगल बैठा है या नहीं बैठा है, 6-8-12 में नहीं होना चाहिए। तथा षष्ठम्ये भौमे पाप युक्ते था वा यदि दायशे दा शुभ स्थानम देहार्थी परिभिक्षते। वो कहता है यदि मंगल पाप ग्रह युक्त होकर यानी पाप युक्ते अथ पाप ग्रह के साथ युक्त होकर तथाष्टमय व्यम यानी छठे आठवें और बारहवें भाव में बैठा हो, यदि मंगल लग्न से छठे आठवें और बारहवें भाव में बैठा हो और पाप ग्रह से युक्त हो तो मंगल की अंतरदशा में रोग कृषि एवं व्यवसाय में हानि होती है, अपने भाइयों से बहनों से कलेश होता है, राजा की कृपा राजा का कोप सहना पड़ता है आपको, यानी वही कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मान हानि की चिंता करनी पड़ती है, स्वजनों से वैर होता है, सदैव आप कटु भाषण में रहते हैं, क्षण क्षण में आपको क्रोध आता है, इस तरह के फल आपको प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब यह है कि मंगल यदि आपकी कुंडली में छठे आठवें या बारहवें भाव में है और पाप ग्रहों से युक्त है या दशानाथ से छठे आठवें बारहवें भाव में, महादशा जिसकी चल रही है उससे भी छठे आठवें बारहवें में, मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि अंतरदशानाथ महादशानाथ से छठे आठवें बारहवें भाव में नहीं होना चाहिए, तो वो भी दशा जो होती है वो अच्छी नहीं कहलाती, षडाष्टक की दशा अच्छी दशा नहीं कहलाती है। तो अगर मंगल ऐसा है पाप ग्रह युक्त होकर सच छठे आठवें या बारहवें भाव में बैठा हुआ है या महादशा स्वामी से अशुभ भाव में स्थित है तो मंगल की अंतरदशा में रोग मिलते हैं, कृषि व्यवसाय में हानि होती है, अपने लोगों से कलेश होता है, राजकोप मिलता है, स्वजनों से वैर होता है, सदैव कटु भाषण और क्षण क्षण में आप लोगों को क्रोध आता है, ऐसे फल आपको प्राप्त होते हैं। और यदि मंगल द्वितीय सप्तमेश हो, द्वितीय सप्तमेश भाव जो है वो मारक भाव होते हैं, द्वितीय सप्तम भाव ये हम जानते हैं, तो अगर वो मारक भाव का स्वामी हो मंगल, द्वितीय हो या सप्तमेश हो अथवा अष्टम भावस्था आठवें भाव में हो या अष्टमेश हो, मंगल अष्टमेश हो, अष्टम भाव में हो, द्वितीय हो या सप्तमेश हो तो फल और भी अशुभ प्राप्त होते हैं ऐसे केस में। तो इस दोष के परिहार हेतु ब्राह्मणों का अर्चन आदर सत्कार करने से मंगल जो है शुभ फलदायक हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखनी है बात कि मंगल एक तो छठे आठवें बारहवें भाव में ना हो, दशानाथ से छठे आठवें बारहवें भाव में ना हो, नंबर वन। नंबर टू, नंबर थ्री, आपका मंगल यदि द्वितीय या सप्तमेश है, अगर द्वितीय या सप्तमेश है या मंगल आपका आठवें भाव में है या अष्टमेश है तो भी मंगल के बहुत अशुभ फल प्राप्त होते हैं और ऐसे दोष के परिहार के लिए ब्राह्मणों का अर्चन आदर सत्कार करना पड़ता है, तो मंगल शुभ फल देने शुरू करता है।
तो ये था चंद्रमा की अंतरदशा में, चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा एवं मंगल की अंतरदशा का फल। आगे इससे आगे पढ़ाऊंगा, आपको आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी अनाउंस करना चाहता हूं कि हमारा एक बैच फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों में से जो भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो फरवरी से काइंडली अपना रजिस्टर करा सकते हैं दिए हुए नंबर पे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।